चलिए इसी के साथ रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से, जहां बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक जारी हो चुकी है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी की अध्यक्षता में चल रही है बैठक। सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय बैठक में मौजूद है। बैठक में बूथ स्तर को लेकर चर्चा हो रही है। पन्ना प्रमुख की व्यवस्था मजबूत करने पर चर्चा की जाएगी। वहीं आगामी निकाय चुनाव को लेकर मंथन जारी। पंचायत चुनाव, लोकसभा चुनाव पर भी हो रहा मंथन, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक शुरू हो गई है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। बैठक में प्रदेश के महामंत्री संगठन अजय बैठक में मौजूद है। वहीं बूथ विस्तार को लेकर चर्चा हो रही है। पन्ना प्रमुख की व्यवस्था मजबूत करने की चर्चा, आगामी निकाय चुनाव को लेकर मंथन जारी। पंचायत चुनाव, लोकसभा चुनाव पर भी हो रहा मंथन। तो बैठक शुरू हो गई है बीजेपी प्रदेश। चलिए इसी के साथ देहरादून से हमारे ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जो है बैठक शुरू हो गई है और आगामी चुनाव को लेकर मंथन होगा और रोड मैप इसमें बनाए जाएंगे, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए अश्मिता, अगर बात करें बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज सुबह 11 बजे से जो है बैठक शुरू हो गई है, आत्ममंथन की बैठक है। और इस प्रभारी है दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी जो है रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पुष्कर सिंह धामी, ये तमाम जो लोग हैं यहाँ पे शिरकत कर रहे हैं। जिला अध्यक्षों को भी यहाँ पे बुलाया गया है और जो पन्ना प्रमुख होते हैं बूथ स्तर पर जो है यहाँ पे उनको जो है पूरी और जिम्मेदारी देने की बात की गई है, क्योंकि अगले वर्ष जो है यहाँ पे निकाय चुनाव होने हैं और उसमें कोई भी जो है कोताही बरतने को तैयार नहीं है। उनका कहना था कहीं ना कहीं जो है जिस तरीके से दिल्ली एमसीडी चुनाव जो है बीजेपी हार गई है उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पे जरूर कहा जा रहा है कि पन्ना प्रमुखों को मजबूती दी जाए। वार्ड स्तर की बात की जा रही है कि उनको आगे किस तरीके की जिम्मेदारियां दी जाएंगी जिससे जो है जो मोदी के और जो राज्य के जो विकास कार्य है वो आम जनमानस तक पहुंचाए जाए, इसको लेके बाकायदा जो है मंथन चल रहा है। अभी जो है दिशा निर्देश जारी किए गए एक रणनीति के तहत, क्योंकि अभी जो है 2024 जो है इलेक्शन वो भी आने वाला है और निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, ये तमाम चुनाव जो है अब ये सिर पे खड़े हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी जो है जैसे हिमाचल का चुनाव आ रही है उसको लेके कहीं ना कहीं आत्ममंथन जरूर कर रही है। जी अमीश, कहा जाता है कि निकाय चुनाव और परिषद चुनाव जो होते हैं वो विधानसभा के लिटमस टेस्ट के तौर पर उसे देखा जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि अभी से जो है मतलब ग्राउंड लेवल पे जो है बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है आने वाले चुनाव की? जी बिल्कुल, देखिए अश्मिता, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जिस तरीके से अगर प्रयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ पे अभी देखा जाए तो यहाँ पर जो मोदी फैक्टर की बात लगातार करी जा रही थी, गुजरात को छोड़ के देखा जाए तो तमाम जगह पे जो है कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर हो रही थी और जो क्लीन स्वीप की बात थी वो भी कहीं ना कहीं हाथों से फिसलती हुई नजर आ रही है। इसको लेके अब बीजेपी जो है मंथन कर रही है और क्योंकि चुनाव जो निकाय चुनाव होते हैं यहाँ पर जो है वो बड़ी जिम्मेवारी वाली बात होती है कि उसके जो है पूरा दारोमदार विधानसभा जो विधानसभा के जो विधायक होते हैं उनके कार्य प्रणाली पे, उनके रिपोर्ट कार्ड पे यहाँ दारोमदार होता है और इसको लेके कहीं भी कहीं बीजेपी जो है पन्ना प्रमुख और जो वार्ड अध्यक्ष होते हैं, वार्डों के जो मेंबर होते हैं, पार्षद होते हैं, उनको ये कहीं ना कहीं दिशा निर्देश जरूर देंगी कि आगे आने वाला जो चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं जो है बीजेपी की जो है यहाँ पर कोई मुंह ना खानी पड़े। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देहरादून से हमने आपको बड़ी खबर बताई, जहां बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक शुरू हो गई है। पार्टी के कई बड़े नेता इस बैठक में मौजूद है। आगामी निकाय चुनाव को लेकर मंथन किया जा रहा है इस बैठक में।